नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों, कार का मालिक बनना एक दिल की ख्वाहिश होती है और इंसान उस ख्वाहिश को जब पूरी कर लेता है, कार का मालिक बन जाता है, चाहे वो नई ले या पुरानी ले, और उसको वो ठीक ठाक रखने के लिए कि वो लाइफ टाइम ठीक रहे, जब तक उसके पास रहे, तो वो बहुत सारे तरीके अपनाता है। उनमें से एक तरीका यह भी है कि वो जब भी हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए चलते हैं या फिर हर रोज़ जब भी अपनी कार को निकालते हैं, तो एक दिमाग में होता है कि कार को 5 या 10 मिनट तक स्टार्ट रखें चलने से पहले, तो वो वार्म अप हो जाएगी, यानी कि उसका इंजन गर्म हो जाएगा ताकि वो स्मूथ चले, हमें कोई दिक्कत ना आए उसमें। और ऐसा कई बार होता है, तो आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि क्या वार्म अप करना ज़रूरी होता है, और अगर ज़रूरी होता है तो वो कितनी देर के लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारे ड्राइवर आपने देखे होंगे, टैक्सी ड्राइवर होते हैं जो वो अपनी कार को जैसे वो सफाई करते हैं तो उसको स्टार्ट रखते हैं, वो स्टार्ट रहेगी तो थोड़ी देर के लिए वार्म अप हो जाएगा, क्या ये सब जरूरी है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बातें होंगी। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन नीचे रेड कलर में है, आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है इसका। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें सोशल साइट्स पे भी फॉलो कीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन पे क्लिक करके हमें वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि क्या ज़रूरी है वार्म अप करना या नहीं। दोस्तों, आपने बहुत सारे ड्राइवरों को तो देखा होगा कि अपनी कार को वार्म अप करते हैं, लेकिन वो पहले टाइम में हुआ करते था कि हमारी पहली कारें आती थी उनमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता था। कार्बोरेटर आप देख सकते हैं कैसा होता है, तो कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता था। उस कार्बोरेटर के अंदर एक मैनुअल चोक हुआ करती थी हमारी कारों के अंदर। वो मैनुअल चोक आपने देखा होगा मारुति 800 के अंदर आया करती थी, वो मैनुअल चोक को खींच के रखना पड़ता था स्टार्ट करने से पहले, तो उसके बाद हमारी कार स्टार्ट हुआ करती थी। तब ये जरूरी हुआ करता था कि हमारी कार को वार्म अप कर लें कि आगे चलने में दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन आजकल की जो आधुनिक मॉडर्न कारें हैं उनके अंदर वार्म अप की ज़रूरत नहीं होती, हमें कार को वार्म अप करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। लेकिन हम आज भी अपनी मॉडर्न कारों को भी अपनी वार्म अप करते हैं, लेकिन वो हमें ज़रूरी नहीं है वार्म अप करना। उनके अंदर आज के कारों के अंदर कूलेंट सेंसर दिए गए हैं जो उसको अपनी कार को वार्म अप करते हैं। बहुत सारे सेंसर दिए गए हैं जो कार को वार्म अप करते हैं। जब भी हम अपने कार को स्टार्ट करते हैं तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और कार को जो वार्म अप जितनी ज़रूरत होती है उतना वो कार को गर्म कर देते हैं, उसके इंजन को और वार्म कर देते हैं, जिससे कार अपने आप वार्म हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो। चाहे हम अपनी कार को बंद भी कर दें तो उसके बाद जब भी स्टार्ट करेंगे तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेंगे उन सेंसर से कि कैसे हमारी कार के वो सेंसर एक्टिवेट हो गए और हमारी कार को जितने वार्म अप की ज़रूरत है उतनी हमारी कार गर्म हो चुकी है, हमारा इंजन गर्म हो चुका है, जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो इन सेंसरों की वजह से ही आज की आधुनिक कारों के अंदर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। पहली कारों में चोक खींचना पड़ता था, उस चोक को खींचने के बाद ही हमारी कार स्टार्ट होती थी। जैसे हमारे कई बार स्कूटर्स के अंदर भी होता है, हमारी बाइक के अंदर भी चोक होती है, वही चीज़ कारों में हुआ करती थी, लेकिन आज की कारों में वो चीज़ नहीं होती। दोस्तों, ये सब प्रक्रिया हमारी कार की उम्र और उसके मॉडल पर भी निर्भर करता है कि हमारी कार का मॉडल कौन सा है, हमारी कार का कब बनी हुई है। अगर हमारी कार बहुत पुरानी है तो हमें अपनी कार को वार्म अप करना चाहिए, अगर हमारी कार आज के टाइम की है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब मॉडल के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन सर्दियों के टाइम में ऐसा होता है कि हम अपनी कार को वार्म अप करने के लिए अपनी कार को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, आज के मॉडर्न कारों को भी। लेकिन अगर दूसरे मौसम की बात करें, अगर हम अपनी कार को ऐसे स्टार्ट करेंगे तो वो उसके उल्टा भी असर कर सकता है, हमारे इंजन को ख़राब भी कर सकता है और हमारे इंजन पे फ़र्क भी डाल सकता है। तो इसलिए अपनी कार को अभी हमें ज़रूरत नहीं है इन कारों को वार्म अप करने की किसी भी दूसरे मौसम में। हाँ, सर्दियों में थोड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपकी कार की रनिंग थोड़ी है, आप अपनी कार को चलाते कम हैं, अपनी कार को अगर निकालते कम है, तो मैं ये कहूँगा अपनी
अपनी कार को वीक में या दो वीक में स्टार्ट जरूर करना चाहिए, उसे एक बार बाहर निकालना जरूर चाहिए। इससे भी हमारी कार के इंजन पे फर्क पड़ता है, जिससे हमारी कार को जो उसके पार्ट हैं उनको पूरा तेल नहीं मिल पाता, हमारे कार के जो पार्ट हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो कार को चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार को ये नहीं है कि कार हमारी खड़ी है कई महीनों से और हम उसको स्टार्ट ना करें तो भी हमारी कार में दिक्कत आ सकती है। ये और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें वार्म अप करना है, वार्म अप नहीं, कार को एक बार निकाल के अगर हो सके महीने में 10 या 20 किलोमीटर चला लेनी चाहिए अगर हमारी कार महीने नहीं चलती। तो कार के इंजन को स्टार्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी, अगर कार खड़ी है किसी भी गैराज में बहुत दिनों से। दोस्तों सर्दियों के मौसम में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी कार को वार्म अप करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि सर्दियों में वार्म अप कर लेना चाहिए हमारी कार को, अगर हम उसे वार्म अप करते हैं तो हम अपने एक्सीलरेटर को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं जिससे हमारी कार आवाज़ निकलती है और हमारा हम सोचते हैं कि हमारी कार जल्दी वार्म अप हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। हमें एकदम से एक्सीलरेट नहीं करना चाहिए हमारी कार को, जिससे हमारा इंजन में फ़र्क पड़ सकता है, हमारे इंजन में दिक्कत हो सकती है। कार को अपने आप ही वार्म अप होने देना चाहिए, वो भी सर्दियों में, लेकिन किसी और मौसम में बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए हमारी कार के साथ। कार को अपने आप ही वार्म अप होने देना चाहिए। हमारी कार को जब हम स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों के बाद, जैसे हमारे गैराज में करी, तो उसके अंदर से कार्बो मोनोक्साइड गैस निकलती है जो हमारे इंजन पे बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। तो हमारी कार को हमें स्टार्ट करते रहना चाहिए। दोस्तों कार की सर्विस भी हमें टाइम टाइम पे करवाते रहना चाहिए, ये ना हो कि हम कार की सर्विस को ही डिले करते रहें और हमारी कार की सर्विस डिले हो जाएगी तो हमारे इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी और जिससे हमें दिक्कत हो सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि दूसरी कार, उसी सेम मॉडल की, सेम वेरियंट, सेम कंपनी कार, दूसरी कार का इंजन ज़्यादा लाइफ उसकी होती है और हमारी कार की लाइफ कम हो जाती है। वो इसी वजह से होती है अगर हम उसकी देख रेख अच्छी तरह से नहीं रखते। जब भी अपनी कार को रखें गैराज में तो धूल मिट्टी से आने के लिए उसको ढक के जरूर रखें। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो आपको बताने के लिए कार को वार्म अप करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी समझाई हुई बात समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर वीडियो में कोई कमी हो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट, बाइक चलाते हैं हेलमेट जरूर पहनिए। धन्यवाद।